नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 37,145 पे, यानी बैंक निफ्टी फ्राइडे की क्लोजिंग से लगभग 666 पॉइंट नीचे आके हमने क्लोजिंग दी है। काफी बड़ा फॉल यहां पे देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, और जाते जाते हम डे लो के आसपास क्लोज करके बैंक निफ्टी में गए हैं, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में 36,800 एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि इसी रेंज को हम ब्रेकआउट हमने किया था, इसी रेंज को ब्रेक करके हम ऊपर की साइड में गए थे, और यहाँ से लगभग हमने यहाँ से 1200 से 1300 पॉइंट का एक मूव देखा है। तो सपोर्ट मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट के आसपास पहला सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 36,400 के आसपास। ये दो सपोर्ट लेवल हैं बैंक निफ्टी में, 36,400 नीचे की साइड में, और पहला सपोर्ट लेवल हमारे पास है 36,800 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 36,400 का। यानी ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे करते हुए दिखेगी। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट है कि कल हम ओपनिंग कहाँ पे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर मान लीजिए ओपनिंग कल यहाँ पे 37,500 या 37,600 के ऊपर होती है तो मेरे ख्याल से मार्केट आज के लो को होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग 37,500 के नीचे ही होती है तो शायद मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड में ट्रेड करेगा और 36,800 के पास तक यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन के कुछ पोस्ट डालते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहां पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्रीमियम ग्रुप में बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन के पोस्ट वहां पे डालते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 17,500 की निफ्टी की कॉल यहां पे दी थी, निफ्टी की 17,500 की कॉल दी थी। वो कॉल मैंने 112 रुपए में दी थी, उसका SL मैंने 99 रखा था, और उस कॉल ने जब तक मैंने देखा था तो हाई उसने 150 का हाई लगाया था। उसी के बाद मैंने शाम को जाते जाते बैंक निफ्टी की मैंने पुट दी थी, 37,200 की पुट मैंने दी थी, जो कि मैंने दी थी 285 पे। इसको मैंने बाय एंड होल्ड के लिए दिया था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी मूवमेंट मिल जाएगी, लेकिन इसको 10 से 15 मिनट के अंदर में इसने 397 का हाई दिखाया, तो मैंने यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करवा दिया था, यानी टोटल पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर अप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल गई थी। 100 पॉइंट की मूवमेंट के लिए मैंने बाय एंड होल्ड के लिए दिया था, लेकिन वो 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें इंट्राडे में ही 10 मिनट के अंदर में ही मिल गई, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था 37,200 की पुट में। बैंक निफ्टी की 37,200 की पुट मैंने दी थी, लगभग मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास मैंने ये पुट दी थी बैंक निफ्टी की। चलिए अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे की कॉल कल, चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे की कॉल, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हमारे लिए कौन सा कॉल या कौन सा पुट बेहतर हो सकता है। देखिए आज की मूवमेंट को जरा ध्यान से देखिए, तो मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड के मूवमेंट की, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल भी बाइंग की थी बैंक निफ्टी की, मैंने कॉल बाइंग की थी, और मैंने एक बार दोनों ही ग्रुप में दिया था कि 37,620 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट होगी। पहली बार 37,620 के ऊपर निकला, वापस ये नीचे की साइड में आ गया, वापस जब दोबारा इसने 37,620 को क्रॉस किया तब मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की थी, जबकि यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी 150 से 160 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई थी, तो मुझे कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। पहले मुझे कॉल में लॉस हुआ था, बाद में वो लॉस रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में आ गया था। बाद में यहाँ पर भी मैंने एक पुट ली थी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने जब एक रेंज बनाया, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए मार्केट यहाँ पे वीक है, मार्केट ने कल के हाई यानी कल की क्लोजिंग के आसपास भी नहीं पहुंचा और वापस नीचे की साइड में आने लगा, वापस मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने लगा, और रेंज बनाने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ पे मैंने पुट ली, उस पुट में मुझे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था। यानी जो सुबह मैंने वीडियो पोस्ट किया था लास्ट का, जो अगर प्रॉफिट काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि इस पुट में मुझे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 मिनट की इनसाइड कैंडल, मैंने इनसाइड कैंडल की वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर भी देखिए काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें मिला। यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट किया था, जो प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किया था 37,200 की पुट, वो मैंने इसी लॉजिक पे पोस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे हमें एक इनसाइड कैंडल मिली, और उस इनसाइड कैंडल के बाद में यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल गई थी बैंक निफ्टी में, तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में मिल गया था। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एकदम लोवेस्ट पॉइंट के आसपास में हुई है, डे लो के आसपास में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करके जा रहा है। मैं चार्ट को जरा 15 मिनट पे कर देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अब कहीं पर भी सपोर्ट आपको नजर नहीं आ रहा। अभी सपोर्ट जो नजर आएगा वो सपोर्ट फिलहाल तो सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर
बैंक निफ्टी ओपनिंग 37,200 से लेकर के 37,100 के बीच में कहीं पे ओपनिंग करता है और ओपनिंग के बाद ही तुरंत इस लो को ब्रेक करता है, यानी आज का जो लो लगा है इसको ब्रेक करता है, तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी में बनेगा वो बनेगा 36,900 का और दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 36,800 का। ये दो टारगेट बैंक निफ्टी में बनेंगे। अगर बैंक निफ्टी 37,100 से लेकर के 37,200 के बीच में ओपन होने के साथ जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे, यानी आज के लेवल को जैसे ही ब्रेक करे, वैसे ही मैं यहाँ पे 37,100 की पुट मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, 37,100 की पुट को मैं बाइंग कर लूंगा। कब? जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के साथ में आज के लो को ब्रेक करेगा तो मैं 37,100 की पुट यहाँ पे बाइंग कर लूंगा और मेरे ख्याल से इस पुट में जबरदस्त मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि अगला जो सपोर्ट है वो 36,800 के आसपास बैंक निफ्टी में है, तो ये यहाँ से 250 से 300 पॉइंट का एक मोमेंट यहाँ पे बन सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी गैप डाउन ओपन हो गया 36,600 से लेकर के 36,800 के बीच में, तो यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिर ये सपोर्ट लेवल के आसपास ओपन होगा, फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होगा तो ध्यान रखिए कि गैप अप सस्टेन नहीं करेगा और मेरे ख्याल से 37,500 37,600 के आसपास अगर कोई रेंज बने या यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बने तो उसी बेरिश कैंडल के हाई का एसएल लगा के आप वहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो अकाउंट आपने हमारे लिंक से ओपन किया है उसमें आप ट्रेड कीजिए, आप हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहला स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक डेली चार्ट में इसका कर लेता हूँ। डेली चार्ट में मैंने ऑलरेडी बोला था कि 1120 के नीचे ये वीक हो जाएगा, तो अब किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो इसे जरूर यहाँ पे 1160 का फॉलो कीजिएगा। एक्सिस बैंक मेरा यहाँ पे अभी कोई व्यू नहीं है, वेट करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन में है। बंधन बैंक ऑलरेडी 290 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था 300 और 310 के टारगेट के लिए, तो 300 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका था। फेडरल बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं था। HDFC बैंक ऑलरेडी 1600-1605 के ऊपर क्लोज करेगा तभी यहाँ पे बाइंग पोजिशन बनेगी। ICICI बैंक 730-735 के ऊपर की क्लोजिंग ही इसे ऊपर लेके जाएगी। IDFC फर्स्ट मेरा कोई व्यू नहीं था। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी हमारे टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। कोटक बैंक में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। PNB में भी कोई खास व्यू मेरा नहीं है। RBL बैंक 164 पे रिकमेंड किया था जो कि 186 तक गया, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और SBI में भी मेरा टारगेट हो गया 435 के बाद, मैंने 450 और 460 के टारगेट दिए थे, 470 का हाई लगा के वापस ये 435 वाले जोन में आ रहा, तो ध्यान रखिएगा 420 से लेकर के 430 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है SBI के लिए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।